हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ओके ओके फ्रेंड्स, तो आज का हम टॉपिक है दैट्स योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वी वर डूइंग चैप्टर थर्ड ना, तो टिल नाउ वी हैव डन एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। इन 3.3 वी डिड दैट्स योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन 3.4 आपका था क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी क्रॉस एलिमिनेशन मेथड। और देखो आपका 3.5 है ना, इसमें आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मीन्स एक तो था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक था आपका एलिमिनेशन मेथड, और कौन सा आपका ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थर्ड मेथड, ठीक है ना। अरे क्वेश्चन तो आपके वही हैं जो जैसे आपने 3.3 और 3.4 में किए थे, 3.5 में वही क्वेश्चन होंगे। बस हम लोग सोल्व करने जो आपका थर्ड मेथड है ना, कौन सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये आपको फॉलो करना है। ये मेथड कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। देखो ऐसे तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, उन क्वेश्चन में कुछ ये निकाल जाता कि डू दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड। उस टाइम आपको जो मेथड ईजी लगे, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, चाहे आपका दैट्स ऑफ योर सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, कोई भी फॉलो कर सकते हो। बहुत ही रेयर चांस है कि वो कहते हैं कि डू दिस क्वेश्चन बाय दिस पर्टिकुलर मेथड, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक ना। अदरवाइज जो क्वेश्चन आता है वो आपको जो इजी लगे मेथड उससे आप कर सकते हो, ठीक ना। फिर भी आपके सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो ये में आना चाहिए, और होता कैसे है नाउ वी विल सी, ओके ना। अगर क्या है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ना, आपको पता है जो आपके पेयर ऑफ रिलेशन टू एलिमेंट दो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी क्या a2x + b2y + c2 = 0। मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको फॉर्मूला बनता कैसे, बस मतलब बनता नहीं समझ कैसे यूज होता है ना, क्या फॉर्मूला देखो ध्यान से। तो आप ये x है, x अपॉन यानी कि आपका y अपॉन और दैट्स इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है ना। और देखो ध्यान एक बार सुनना, जब क्वेश्चन करो ना तो आपकी जो इक्वेशन चाहिए दे शुड बी दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सी वन राइट में हो, सी टू भी ना राइट में हो, तो मैं उनको लेफ्ट में लेके आना। मतलब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में जो आपकी लीनिएशन है होंगी आपकी पेयर वाली, वो तो इस फॉर्म में होनी चाहिए। उसी बात हमें फॉर्मूला जो बता रहा हूँ लगाएंगे, ठीक है ना। तो एक्स अपॉन ध्यान सुनो, देखो आप कैसे होते हैं ना ए बी सी ऐसे बोलते हैं हम, तो पहले उठाओ क्या बी सी को, किसको बी सी के लाइक दिस बी सी माइनस बी सी, ध्यान सुना एक बार। अब किसी बार ये आएगी सी ए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सी ए माइनस सी ए। अब किसकी बारी आ गई ए बी की, किसकी आ गई आपकी ए बी माइनस ए बी। तो बस याद रखना कि स्टार्ट करना बी सी से, देखो बी सी माइनस बी सी फिर क्या आपका सी ए, सी ए माइनस सी ए फिर क्या आपका ए बी, ए बी माइनस ए बी। अब करना क्या देखो आपको 12 21 12 21 12 और ये 21 ऐसे कर समझ लो, ठीक है ना। वैसे तो ड्राइव होता है पता है ना, वो तो लेंथी प्रोसेस पड़ जाएगा पता समझ आ जाएगा आपको ना, एक्स को हटा के फिर एक्स अपॉन बी वन सी टू, मतलब वो थोड़ा लेंथी जगह आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। मैं आपको डायरेक्ट बता दिया कि एक्स अपॉन मतलब क्या एक्स अपॉन क्या होंगे, देखो एक्स अपॉन बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल टू वाई अपॉन सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इज इक्वल टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है ना। तो ये था एक्चुअल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और जैसे मान लो आप एक्सेल फाइंड करने हैं तो आप एक्स अपॉन दिस इज इक्वल टू वन अपॉन दिस, मतलब इसको और इसके इक्वल पुट करोगे ना तो एक्स वैल्यू आएगी, और इसको और इज इक्वल टू इसको पुट करोगे तो आपकी वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। मतलब अगर एक्स वैल्यू फाइंड करनी होगी तो एक्स डिवाइडेड बाय बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, आपकी एक्स वैल्यू आ जाएगी। अगर इफ यू फाइंड इफ यू वांट टू फाइंड वैल्यू y, तो y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, क्या मतलब ये है वेदर यू हैव टू फाइंड x और y, यू हैव टू वैल्यू पुट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस, और व्हेन यू विल फाइंड द y वैल्यू y, तो यू हैव टू पुट दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू दिस, ओके। तो ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना, ओके। और तो करना क्या आपको, अब हम इसे लेके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन समझाने के लिए ध्यान देखिए। ओके देखो जो क्वेश्चन आपका ये एक्सरसाइज 3.5 है ना, जो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका दिस इज एक्सरसाइज 3.5 और क्वेश्चन नंबर क्या आपका फर्स्ट,
क्वेश्चन फर्स्ट में ये विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब किसका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब क्वेश्चन तो ये है कि आपको इक्वेशन, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट के फोर पार्ट हैं, उनमें चेक करना है कि किन के यूनिक है, किन के नो, किन के इनफाइनाइट। अगर आप किसी यूनिक सॉल्यूशन आता है ना, तब आपको क्वेश्चन करना है आगे किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ना। ओके आपका ये हो जाएगा जी आपका दैट्स ऑफ योर, इसमें मैं वो पार्ट बताता हूँ जिसका यूनिक बनता होगा ना। ओके टू बाई, हाँ ठीक है। सेकंड पार्ट वी विल डू पार्ट सेकंड, देखिए सेकंड पार्ट क्या आपका, तो ये आपका 2x प्लस में y इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। इधर क्या देखो, दूसरी क्या अपनी आपकी दूसरी क्वेश्चन, ये आपकी 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू क्या आपका 8, ओके समझे ना। ये 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 और ये आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। पहले मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, क्या मिलेगा आपका 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इधर देखो 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्म ना। अब आपको देख सकते हो, लुक हियर, वी हैव टू फाइंड द x और y, अब ये नाउ y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड स्ट्रेंथ वन सर ऑफ दिस रब, ठीक है ना। अरे क्या होता है, ध्यान सुनिए, तो आप ये था ना x अपॉन क्या था b1 c2 माइनस b2 c1, ये था ना आपका इज इक्वल टू क्या था आपका y अपॉन बी सी एफ सी ए माइनस सी ए करोगे ना, एट इज वन अपॉन क्या था आपका ए बी माइनस ए बी, ये वन टू टू वन, ये भी वन टू टू वन, वन टू टू वन, ठीक है ना, ऐसे करो ना। अब इनपुट देखो एक्स अपॉन क्या था आपका एक्स अपॉन बी वन सी टू, अब ध्यान से देखो बी वन क्या है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन थे ना ए वन क्या है टू, बी वन क्या आपका प्लस का वन और सी वन क्या माइनस का फाइव, कंपेयर कर सकते ना। तो बी वन क्या देखो ना, बी वन तो बी वन कितना आपका वन, और व्हाट इज सी टू, देखो सी टू कहाँ होगा आपका, देखो सी टू ये रहा माइनस का एट, क्योंकि माइनस एट माइनस बी टू, देखो बी टू कितना आपका, तो बी टू ये रहा टू, ओके। और इन टू में सी वन क्या आपका सी वन, सी वन क्या माइनस का फाइव, आपको ध्यान होगा ये ए वन बी वन सी वन को फाइंड करना हो, हमने सीखा था नाइन्थ में सीखा था, तो टेंथ होगी वैसे भी, ठीक है ना। इसमें देखो क्या आपका y अपॉन क्या होगा आपका c1 into टू व्हाट इज c1, देखो c1 क्या माइनस का 5 into में देखो a2, अब देखो a2 कितना आपका 3 माइनस, अब देखो क्या आपका c2, तो c2 का आपका माइनस का 8, ओके into for a1 कितना आपका बेस a1, a1 क्या आपका 2, ओके इज इक्वल टू 1 अपॉन में देखिए a1 b2 ना, देखो a1 कितना आपका 2, कितना आपका 2, और देखो b2 कितना आपका बेस b2, b2 कितना आपका वो भी 2 ही है ना आपका, माइनस b2 कितना आपका 2 है ना, माइनस a2, देखो a2 कितना आपका a2 3, और दैट्स योर b1, देखो b1 कितना आपका 1, b1 कितना आपका 1, तो बिल्कुल बाय पर इसके आगे होगा, तो हमने सर अभी पुट की, नाउ वी सॉल्व दिस x अपॉन देखिए क्या होगा माइनस 8 इनटू 1 माइनस का 8, देखो 2 इनटू माइनस 5 माइनस 10 और इनटू माइनस हो गया प्लस का 10 इज इक्वल टू y अपॉन में माइनस 5 इनटू 3 माइनस का 15 और 8 टू 16 माइनस 16 माइनस हो गया प्लस का 16 इज इक्वल टू देखो 1 अपॉन में 2 टू जा 4 और माइनस 3 1 जा 3, ये हमने सॉल्व किया है देखा ना, वे 2 टू जा 4 हो गया और माइनस 3 1 जा 3, सिंपल सॉल्यूशन सॉल्व करें इसको हम, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या होगा आपका, नाउ आई एम डूइंग हेयर इसको रब करता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए सर सुनिए, तो ये बन गया आपका x अपॉन माइनस 80 प्लस 10 हो गया 2 इज इक्वल टू, तो वो y अपॉन में माइनस 15 प्लस 16 हो गया आपका 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 माइनस 3 1,
सिंपल भैया, माइनस 8 प्लस 10 प्लस का 2, माइनस 15 प्लस 16 प्लस का 1, मीन 60 माइनस 15 और 4 माइनस 3 1। अब विद द एक्स वाई सर्कल है ना, देखो आपने सर्कल लाइक दिस, देखो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, ऐसे ही देखो इसको y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, मींस x अपॉन 2 को भी इसके इक्वल पुट किया और y अपॉन 1 को भी इज इक्वल टू दिस 1 अपॉन 1, मींस 1 ये वो। अगर आप अगर क्रॉस करोगे तो x into 1 x बन जा x equal to 2 बन जा 2, तो x into 2 आगी और y, y into 1 y और 1 बन जा 1, तो आपका y कितना आ गया 1। तो ये आपका आंसर क्या है आपका, that's your answer x equal to 2 and y is equal to 1, means x आपका 2 आ गया और y क्या है आपका 1, ठीक ओके। तो that's your cross multiplication method, ठीक है ना, ये क्या आपका cross multiplication method है। बस करना क्या आपको सिर्फ क्यों वैल्यू पुट करनी है, ठीक ना, जो वैल्यूज होंगी वो आपको पुट करनी है और पुट करने के बाद आपको सोल्व करना है ना, तो दैट्स योर क्या होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है ना, मतलब मेथड आपको ऐसे फॉलो करना है। अगर मुझे नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है ना, तो क्वेश्चन सेकेंड कर देखो बच्चों, देखो दे आर टू पार्ट्स इन क्वेश्चन सेकंड, देखो क्वेश्चन सेकंड क्या है, यहाँ पे दो पार्ट है, आई एम डूइंग योर सेकंड पार्ट, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन पे डिपेंड है, तो मैं सेकंड पार्ट पढ़ लिया आपके लिए, देखो क्या आपको सिंगल ध्यान देखिए। देखिए फोर आपके ने एक्चुअली दो पेयर दे रखे रिलेशन, पेयर ऑफ रिलेशन दे रखे आपको, ठीक है ना, सेकंड पार्ट ये है फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। देखो दो इक्वेशन आपकी, फर्स्ट क्या आपकी 3x प्लस में y इज इक्वल टू 1 और दूसरी क्या आपकी 2k माइनस 1 इंटू x प्लस k माइनस 1 इंटू में y इज इक्वल टू क्या आपका 2k प्लस 1 ओके। तो क्या आपकी 3x प्लस y इज इक्वल टू 1, दूसरे 2k माइनस 1 इंटू x प्लस k माइनस 1 इंटू y इक्वल टू 2k प्लस 1। अब क्या है ये आपकी इक्वेशन रखी है और क्वेश्चन ये है कि आपको के डिफाइंड करनी है, आपको दे रखा है कि जो इक्वेशन है ना दे हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब वो पता होगा कोई भी जो इक्वेशन होती है जब इफ दे हैव नो सॉल्यूशन तो कौन सी कंडीशन होती है, कंडीशन होती है ना, देखो लिखोगे वी नो फॉर नो सॉल्यूशन, अभी कंडीशन होती है आपकी क्या ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ध्यान ना जब हमने बेसिक किया था 3.2 स्पेशली, तो था ना आप मान लो कोई भी दो इक्वेशन है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनके अगर नो सॉल्यूशन हो तो कोई सॉल्यूशन ना हो तो कंडीशन ये होती है ना ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, तो करना कुछ नहीं आपको इन दोनों इक्वेशन से वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। अब वो से ना जो क्या करोगे इक्वेशन फर्स्ट है ना जो मैं आप ऐसे कर सकते हो, देखो मैं आपका ए वन थ्री है बी वन क्या आपका वन और सी वन क्या आपका माइनस वन बन जाए ना, देखो आप इधर सी टू के लाओगे तो भी माइनस का ही बनेगा माइनस टू के प्लस वन, मतलब ये माइनस का बन जाएगा और माइनस टू के सॉरी माइनस वन बनेगा, तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं हम दोनों को राइट में रखते हैं, ठीक है ना, और वैल्यू में ये प्लस की पुट सोल्व कर देंगे क्यों सॉरी पुट कर देंगे क्यों, क्या दोनों को हम लेफ्ट में लाते भी हैं तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते भी हैं, तो ये भी सी वन भी माइनस का बनेगा और ये सी टू भी नेगेटिव का ही बनेगा, बात यही रहेगी इसे हम दोनों को इस राइट में रखते हैं, ठीक है ना। अगर आपका ए वन कितना है वर्टिस ए वन, ध्यान देखो ए वन क्या आपका थ्री अपॉन वर्टिस ए टू, देखो ध्यान देखो ये देखो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू, इधर ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन है ना, ए वन कितना आपका थ्री अपॉन देखो आपका ए टू क्या है टू के माइनस वन क्या आपका टू के माइनस वन इज इक्वल टू, देखो बी वन क्या आपका इसका बी वन ही है ना क्या वन वाई के आगे क्या है वन है प्लस का तो वन हो गया अपॉन बी टू, वट इज बी टू इस वाई को पोजिशन ना ये बी टू है जो क्या आपका के माइनस वन इज इक्वल टू सॉरी हाँ इज नॉट इक्वल टू सी वन, वट इज सी वन आपका वन और वट इज सी टू क्या आपका टू के प्लस वन है ना सी वन वन है और सी टू क्या टू के प्लस वन। अब देखिए ये दो रेशो इक्वल है इसके इज इक्वल टू है नहीं और हमें के वो वैल्यू फाइंड करनी है तब वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है
देन बोथ दिस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो आप इन दो कंसीडर करोगे, क्या क्या आपका आपका तो 3 upon 2k minus 1 = 1 upon k minus 1। अब आप क्या करोगे, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इग्नोर करो, ये देखो जब क्रॉस करोगे तो 3 into k minus 1, आई एम डूइंग हियर, यू गेट 3 into k minus 1 इज इक्वल टू, क्या होगा आपका 1 into 2k minus 1, बट 2k minus 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो समथिंग इनटू 1 सेम टर्म, तो ये आ गया आपका 2k minus 1, है ना। अब किस चीज की मल्टीप्लिकेशन, 3 into k 3k minus 3 = 3 equal to 2k minus 1। अब क्या करेंगे, k की टर्म एक तरफ और विदाउट जो है ना k कांस्टेंट टर्म उस राइट को, तो 3k minus 2k = -1 + 3, है ना। माइनस 2k को लेफ्ट में आगे नेगेटिव हो गया और माइनस का फिर राइट में आगे प्लस का हो गया, अगर 3k - 2k हो गया k हो गया आपका ओके, और -1 + 3 मींस 3 - 1 क्या हो गया आपका 2, तो k = क्या आ गया आपका 2। तो इसका आपका आंसर यही है, आगे लिख भी सकते हो when k is equal to then the given pair of linear equation have क्या no solution, या सीधा करो आंसर में k equal to that's your answer, means जब आपको k equal to 2 होगा ना, आप एक कंडीशन जब भी k है 2 पुट कर दे सकते हो, तो आपकी ये कंडीशन या ये कंडीशन फॉलो होगी ओके। तो मींस when k is equal to 2 then these two linear equation have no solution ओके। तो दैट्स योर क्वेश्चन सेकंड पार्ट। फर्स्ट में ऐसे है, फर्स्ट में क्या कंडीशन है, इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, उसमें भी आप ये करोगे, उसमें देखिए उसमें क्या इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, तो आप बताओगा व्हेन ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एट इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, तो क्या कंडीशन होती है ना, a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2, वो थोड़ा होगी क्या उसके अंदर भी, ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे ही है, ठीक है ना। उसको मैं आपको सॉल्यूशन आई विल सेंड टू यू ओके। अरे बच्चों नेक्स्ट क्या देखो आपका, ठीक है ना, इसमें क्या होगा आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, ठीक, रुकिए देखो क्वेश्चन थर्ड में है आपका, देखो जो क्वेश्चन थर्ड है ना, सॉरी क्वेश्चन थर्ड नहीं क्वेश्चन फोर्थ, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर फोर, देखो सुनो है कैसे, अंदर क्वेश्चन तो वही है आपके जो आपके 3.0 3.4 में थे, लेकिन इसके फिर भी एक क्वेश्चन कराया था आपको, थे क्वेश्चन थर्ड में आप, सॉरी क्वेश्चन फोर्थ का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन फोर्थ का थर्ड पार्ट आपका। तो है क्या देखो, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, यश को ना किसी टेस्ट में 40 मार्क्स मिलते, कब मिलते हैं, गेटिंग 3 marks फॉर ईच राइट आंसर, मतलब अगर राइट आंसर 3 नंबर मिलते हैं, और अगर गलत करता है ना तो क्या होता है उसका 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि क्वेश्चन उन्हें अटेम्प्ट किए हर सही आंसर के जो 3 नंबर मिलते हैं और गलत का 1 नंबर उसका सब मतलब नेगेटिव मार्किंग है, तो उसको ऐसा करके टोटल 40 मार्क्स मिलते हैं। और एक जैसे मान लीजिए लेट राइट आंसर्स या राइट क्वेश्चंस अटेम्प्ट इक्वल टू एक्स, है ना, मान लीजिए उसने कितने क्वेश्चन सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए राइट, वो एक्स है, लेट रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट इक्वल टू वाई, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो मतलब टोटल नंबर क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे आपके, दैट्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो अब टोटल क्वेश्चन क्या होंगे टेस्ट के, एक्स प्लस वाई ना, मतलब एक्स तो वो क्वेश्चन तो सही आंसर दिया था और वाई क्वेश्चन ने गलत आंसर दिया था, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई टेस्ट दे जाते हो, आपने 10 सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उनमें 10 क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए हैं, सही आंसर दिया है और 5 है गलत, तो टोटल क्वेश्चन तो आपके 15 होगी ना, 10 + 5, तो वो लॉजिक इधर है, मान लो सही आंसर अटेम्प्ट किए एक्स और रॉन्ग किधर अटेम्प्ट किए वाई, तो टोटल नंबर क्वेश्चन क्या हो गया एक्स प्लस वाई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सुनिए उसने क्या है, अब उसको 3 नंबर मिलते हैं राइट आंसर के और 1 नंबर कटता है उसका रोंग का, ठीक है ना, तो क्या होता है नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसको इस तरह से पूरे टोटल 40 मार्क्स मिलते हैं। आप ध्यान सुनिए, अगर 3 मार्क्स राइट आंसर के मिलते हैं, मतलब राइट आंसर दिए, अगर राइट के क्वेश्चन किए, मतलब राइट क्वेश्चन ना जिनके राइट आंसर दिए हैं, तो एक्स किए हैं, तो मार्क्स 3 into में एक्स, कितने गलत किए हैं वाई, और हर एक गलत के कितने नंबर कटता है माइनस का 1, ठीक है ना, तो -1 into y, -y है ना, अगर आप -1 की y से प्रॉब्लम मिलता है तो -y होगा,
भाई सही के लिए 3 मार्क्स है, तो कितने सही किए उसने, x ना, तो 3 into x, और गलत के मान लीजिए सॉरी y की है, तो हर एक के लिए 1 मार्क्स कटता है, अगर नेगेटिव मार्क किया तो -3 into y -y, ऐसे लेने के टोटल कितने मार्क्स आए उसके, दैट्स योर 40 मार्क्स, है ना। ये वो मार्क्स हैं जो राइट आंसर के मिले हैं, और ये वो मार्क्स है जो रॉन्ग के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी, और टोटल कितने होंगे आपके इक्वल टू 40 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। देखो अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो हैड 4 मार्क्स बीन अवार्ड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर मान लीजिए हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर मिलते हैं, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और गलत उत्तर के लिए 2 नंबर कटते हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग है, इस तरह से यश को टोटल 50 मार्क्स, कितने मार्क्स मिले 50 मार्क्स। अब ध्यान सुनिए सेकंड कंडीशन है, 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर ना, तो 4 मार्क्स मिले करेक्ट आंसर के, मतलब राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट जो भी है, राइट क्वेश्चन तो समझे ना, वही राइट आंसर जो दिए हैं, तो उसकी कितनी होगी 4x और माइनस, ठीक है ना, और कितने गलत के कितने मार्क्स करते हैं उसके 2, तो कितने गलत किए उसके y ना, तो 2 into y, ऐसे तो कुछ टोटल और कितने मार्क्स मिले उसके 50 मार्क्स, मींस या तो ये है यहाँ पे ना राइट आंसर ही चल रहा है कंफ्यूजन, राइट आंसर्स, ठीक है ना, तो क्या है, अब जो क्या है राइट आंसर 4 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग के मिलते हैं उसको कितने, रॉन्ग उसको कटते के 2 है, तो ने कितने राइट किए थे x ना, तो 4 into x, तो ये तो वो मार्क्स हैं जो सिर्फ राइट आंसर के लिए मिले हैं, और ये वो मार्क्स हैं जो सिर्फ रॉन्ग आंसर के कटे गए ना, y गलत के थे ना, तो 2 into y 2y हो गया आपका, और ऐसे लेकर टोटल मार्क्स मिले तो 50 क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गए, ठीक है ना। अब मुझे करना है क्या, इसको सॉल्व करना है, अब ध्यान सुनिए इसमें ना आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस ना बाय एनी मेथड, आपकी मर्जी है, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एज यू विश, इन्हें कुछ स्पेशल कह रखा है ना, क्वेश्चन फॉर्म में वैसे कह भी रखा है ये कि फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड, किसी भी एनी मेथड से कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि क्रॉस से करना आपको, ठीक है ना। आई थिंक इसको आगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना, आपके फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करने पर आपके एक्स वाई की वैल्यू आएगी, और जो एक्स वाई की जो कुछ वैल्यू आएगी ना, मान लो x की वैल्यू 15 आएगी, y की 5 आएगी, मान लो तो इसे राइट आंसर अटेम्प्ट क्या हो गया 15 और रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट हो गया आपके 5, तो टोटल नंबर क्वेश्चन कितने होंगे इसके अंदर टेस्ट में, x + y, भाई आंसर क्वेश्चन को तो आंसर दिए होंगे ना सुने, तो ये बात है x y को ऐड कर दोगे ना, तो आपका नेट आंसर आ जाएगा कि उस क्वेश्चन पेपर में एक्चुअल क्वेश्चन थे कितने, सॉल्व कर दोगे अंदर इक्वेशन को, x y की वैल्यू आएगी, उनको सिंपल ऐड कर देना, ऐड करने पे यू विल गेट द आंसर, मींस टोटल क्वेश्चन थे कितने उस टेस्ट के अंदर, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो दैट्स योर क्वेश्चन फोर्थ थर्ड पार्ट, सॉल्व करना है इसको, ठीक है बेटा। नेक्स्ट नाउ आई विल डू फोर्थ पार्ट, देखो जो क्वेश्चन ध्यान देखना, तो इंपॉर्टेंट भी हल्का सा वैसे टिपिकल सा है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आई विल डू कंप्लीट, ठीक है ना, इसको पूरा करूंगा। देखिए आपका ध्यान सुनिए, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, देखो कोई देखो कोई तो प्लेस है, और दिस इज योर ए और ये आपका बी, मेकिंग द डिस्टेंस है दिस इज ऑफ योर 100 किलोमीटर, ये टोटल कितना आपका 100 किलोमीटर है, ठीक है ना, ओके। One car starts from A and another from B. एक कार तो A से स्टार्ट होती है और एक B से, ठीक है, होगी ना, at the same time, एक ही टाइम पे होते हैं। If the car travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. अगर क्या होता है, जो जो प्लेस A से कार चले ना, वो और जो प्लेस B से, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन, मान लो इस तरह चले दोनों ना, मान लो कार A बोलते हैं, प्लेस से तो कार A बोलते हैं, सो कार भी बोल दिया, मतलब अगर दोनों कार एक ही डायरेक्शन चलते हैं ना, तो मान लीजिए तो आगे चलते थे उनकी दोनों स्पीड अलग अलग, ये बात पक्की है, ठीक ना, वो आगे चलते चलते कार की इमेज कीजिए, वो मिली आपको पॉइंट सी पर, क्या है, आप 5 घंटे बाद, ध्यान सुनिए इंपॉर्टेंट बात है, जो प्लेस ए है और प्लेस बी है ना, उधर दो कारें चली, एक प्लेस ए से और एक प्लेस बी से, ठीक है ना, और दोनों एक ही डायरेक्शन चलती हैं विद डिफरेंट स्पीड, और ना 5 घंटे बाद वो पॉइंट सी पे मिलेगी, इसे ये बात तो कंफर्म होगी कि जो कार ए है उसकी स्पीड ज्यादा है, तो देखो ना कार जो मैं कार ए में उसको बोल रहा हूँ जो प्लेस ए से चली है, ठीक है ना, और कार बी में उसको बोलूंगा जो प्लेस बी से चली है, ठीक है ना।
तो जब कॉमन सी बात है, जो कार ए है वो 5 घंटे कार बी को सी पॉइंट में लगती है, तो सी तो लॉजिक कंफर्म हो गया कि जो कार ए है उसकी स्पीड क्या कार बी से ज्यादा है, ठीक है ना। तो आफ्टर 5 आवर्स दे मीट एट पॉइंट सी, ओके एट डिफरेंट स्पीड। अगर देखो ये भी है, पहले इसकी पार्ट में करते हैं, देखिए ध्यान से देखो। अब जैसे मान लीजिए लेट स्पीड ऑफ कार ए या कार ए स्पीड जो भी है दैट्स इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। लेट स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। मान लीजिए कार ए की स्पीड क्या आपकी एक्स किलोमीटर पर आवर और कार बी की स्पीड क्या आपकी वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब देखो देयरफोर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 5 आवर्स, ठीक है ना, ओके। आप जो ध्यान दो, देखो फिगर देखो, जो जो कार ए है वो 5 घंटे, आप बताइए कार ए आफ्टर 5 आवर्स कहां पहुंचेगी, यहां थी ना, वो 5 घंटे कहां पहुंचेगी पॉइंट सी पर। अगर देखा जाए तो कार ए ने 5 घंटे में 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, एसी है ना, एसी लेकर सी, तो क्या आपका एक्चुअल में एसी है, ठीक है ना। मतलब एसी वो डिस्टेंस है जो कार ए ने 5 आवर्स में कवर किया ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 5 आवर्स मींस एसी की बात कर रहे हैं। अब वैसे ठीक है, मतलब एसी फाइंड करना हमें। अब देखो कार ए की स्पीड क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर ना, और कितना टाइम आपको 5 आवर्स, ये तो पता होगा ना कि डिस्टेंस और स्पीड इनटू टाइम, ये पता होगा ना, डिस्टेंस का था आपका स्पीड इनटू टाइम। तो कार जो कार ए की स्पीड क्या है, एक्स है, और टाइम कितना है 5 आवर्स ना, 5 घंटे ना, तो क्या होगा एक्स इंटू फाइव, 5x बोलेंगे ना, एक्स वाई बोलेंगे क्या 5x, वही बता आपका एसी कितना आ गया आपका 5x, मेन बात ये है ना। तो मतलब क्या है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना आपका, दैट्स योर 5x, ठीक है ना। ऐसे देखो डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बी इन 5 आवर्स, आप देखिए बता सकते हो, यहां सुनिए कि जो कार बी है उसे कितना डिस्टेंस कवर किया 5 आवर्स, देखो कार बी यहां थी, और देखो आफ्टर 5 आवर्स 5 घंटे बाद कार बी कहां पहुंचेगी पॉइंट सी पर। तो देखा जाए तो जो कार बी है उसने 5 घंटे कितना डिस्टेंस कवर किया, बी सी है ना, ये डिस्टेंस कर लेना कितना बी सी, तो ये हो गया आपका बी सी। और बी सी आपको होगा कितना, अगर कार बी की स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर और कार ए ने टाइम भी क्या 5 आवर्स लिया ना, तो स्पीड इंटू टाइम 5 × y क्या हो गया आपका 5y, ओके। तो क्या मतलब ये है BC इक्वल टू क्या आ गया आपका 5y, ये कितना आपका दैट्स योर 5y। ऐसा में मींस BC वो डिस्टेंस है जो कार बी ने 5 घंटे में कवर किया, ठीक है ना, जो कि 5y हो गया स्पीड इनटू टाइम से, कि स्पीड y है और टाइम 5 आवर्स है। और आपका AC वो डिस्टेंस है, देखो ये AC जो कि 5x है जो कार ए ने 5 आवर्स में कवर किया, मींस ये ना 5x, ओके। तो इसे क्या 5x किलोमीटर, तो ये 5y किलोमीटर, ठीक है ना, इस टाइप से ध्यान सुना है मेरे को इसके लिए था। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान सुना, देखो अब फिगर देखिए बच्चों, ध्यान से फिगर देखिए, तो फिगर देखो बच्चों, मैंने सोचा ऐसे कि AC माइनस BC इक्वल टू AB, देखो मेरे को देखो देखिए AC क्या आपका AC माइनस में क्या आपका दैट्स योर BC इज इक्वल टू AB, लिख सकते हैं ना। अब फिगर देखिए, देखो AC कंप्लीट AC माइनस BC, ये BC इज इक्वल टू AB। अब मैं पूरे AC में से BC माइनस कर दो आपका AB बचेगा ना, तो वो लिखा मैंने। अब आपका AC है कितना, व्हाट इज AC 5x माइनस BC, देखो कितना आपका BC 5x है, यहां देखो चाहिए ना, ये कितना आपका 5y इज इक्वल टू AB, देखो आपको देखो AB है क्या, AB कितना 100 पता है कितना आपका दैट्स योर 100, ओके ना। अगर सिंपल फॉर्म में करोगे 5 कॉमन लेते हो, आई एम राइटिंग, चलो कोई नहीं, रफ रखो मैं इसको ध्यान देख लो, इसको पढ़ लेते हो ना फिगर, व्हेन यू राइट डाउन इन नोटबुक ना, तो आपको ये फिगर बनाने तभी आपको समझ आएगा, ठीक है, ओके। नाउ रबिंग दिस, ओके, जब लाइक दिस ये हो गया जी आपका, ओहो चलो कोई नहीं, तो ये मैंने देखो आपका 5 कॉमन हो गया ना, तो सीधा देगा आपका x माइनस y इज इक्वल टू क्या बन गया आपका 20 ना,
तो 5 कॉमन लोगे तो x माइनस 5 और 20 बाय 5 सॉरी 100 बाय 5 20 मैं डायरेक्ट लिख दिया इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपकी फर्स्ट ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई ठीक है ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन क्या कर रखा है देखो मैंने क्या रखा है ध्यान सुनिए वो फिगर दोबारा बनाता हूं समझाने के लिए आपको इसी ए पी था देखो ये ए था ये आपका बी था वो ये कहा था कि ना अगर कार ए और बी ना कार ए और बी दोनों अगर ए की डायरेक्शन चलती है तो ऐसे चलती है सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में होता है ऐसे मतलब देखो कार ए ऐसे गई और कार बी ऐसे आ रही है तो दोनों कितने घंटे मिलती है इन वन आवर मान लीजिए तो इस पॉइंट में मिलती है मान लो इस पॉइंट में मिल जाती है ना। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है अगर कार ए और कार बी दोनों ऐसे अपोजिट चलते हैं ना तो वन आवर के बाद मतलब यहाँ मान लो इस पॉइंट में मिलेगी इमेज कीजिए। अब ध्यान सुनिए क्या देखिए जो कार ए है उसकी स्पीड क्या है एक्स किलोमीटर पर आवर इसका मतलब क्या है कि कार ए वन आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी एक्स के ना प्लस और जो कार बी है उसकी स्पीड हमने क्या मानी थी वाई किलोमीटर पर आवर इसका मतलब क्या है जो कार बी है वो वन आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो वाई किलोमीटर ना मीन्स ये वो डिस्टेंस है जो कार ए ने एक घंटे में कवर किया ये वो डिस्टेंस है जो कार बी ने एक घंटे मीन्स वन आवर में कवर किया ओके अब देखो ध्यान सुनिए मान लो कार ए तो वन आर में इतना आ गई एक्स किलोमीटर कार बी आ गई वाई मतलब एक्स प्लस वाई टोटल हो गया ना ये टोटल कि अब देखा जाए तो दोनों कारों ने मिलकर टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया ए बी जो कि किसके इक्वल है इक्वल टू 100 ओके ये तो है मीन्स इसे मान लो जो कार ए है वो आफ्टर एन आर मतलब एक घंटे बाद मान लो यहाँ से यहाँ आ गई ठीक है ना एक्स डिस्टेंस और कार बी एक घंटे यहाँ से यहाँ आ गई ये वो डिस्टेंस है जो कार बी ने कवर किया। अब दोनों कारों मिलके यहाँ पे मिल गए घंटे बाद ओके टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 100 ना क्योंकि एपी कितना था आपका 100 तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई कि सेकंड। अब कुछ ही करना नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस देखो इस क्वेश्चन मेन था इक्वेशन बनाना इक्वेशन बन गई आपकी। अब हम क्या करते हैं देखो सिंपल से आपको लगा लीजिए एडिशन मेथड इधर माइनस का वाई इधर प्लस का वाई आप लिखोगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है ना। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या करेंगे ऐड करेंगे ना ओके लाइक दिस तो क्या होगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 तो ये हो गया आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 व्हेन यू ऐड ऐड थ्रू साइन चेंज होगी नहीं होंगे क्यों ऐड कर रहे हैं और क्यों ऐड करते हैं ऑलरेडी y अपोजिट साइन था ना मतलब x प्लस x 2x y से y कैंसिल 20 प्लस 100 हो गया आपका 120 x क्या आ गया आपका 120 डिवाइडेड बाय 2 2 1 जा और ये गया 60 पे तो x का क्या आ गया आपकी 60। नेक्स्ट क्या करोगे पुट x इक्वल टू 60 क्या करोगे आप इसको पुट x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट है ना इक्वेशन फर्स्ट में जाना है इक्वेशन फर्स्ट सेकंड ले लो सेकंड इजी रहेगी ना फर्स्ट वैसे इजी है सेकंड ज्यादा इजी ना तो x और 60 आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड पुट कर दो तो ये x है ना तो x क्या पुट करते हैं आपने 60 प्लस y इज इक्वल टू 100 ये होगा ना आपका हमें तो y से मतलब है y इज इक्वल टू क्या होगा इधर 60 प्लस का राइट में क्या हो गया माइनस का तो 100 माइनस 60 क्या हो गया आपका 40 मैं डायरेक्ट लिख देना पर 60 उधर तो माइनस का देना तो 100 माइनस 60 40 हो गया तो x का 60 आई है और y का भी 40। अब x से हमने माना क्या था स्पीड ऑफ कार है ना तो आप आंसर में लिखोगे देयरफॉर स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू क्या 60 किलोमीटर पर आवर ऐसे स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू बी माना था ना सॉरी क्या वाई माना था वाई क्या 40 तो योगी 40 क्या आ गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर अंडरस्टूड मींस कार ए की स्पीड कार ए वो जो प्लेस ए से चली थी और कार भी जो प्लेस बी से चली थी क्वेश्चन यही है कि आपको दोनों कारों की जो प्लेस ए और प्लेस बी चली स्पीड बतानी थी इस क्वेश्चन के अंदर जो कि क्या स्पीड ऑफ कार ए 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार बी क्या 40 किलोमीटर पर आवर ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स तो दैट्स क्वेश्चन फोर्थ पार्ट ठीक है ना बाकी इसके एक दो तीन पार्ट हो रहे हैं ठीक है ना देते हैं आई विल सेंड यू विद द सॉल्यूशन। तो ये था बच्चों आपका एक्सरसाइज 3.5 बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्रॉस से ही है लेकिन क्वेश्चन फर्स्ट में आपके टोटल फोर पार्ट्स हैं
आपको क्लोज मटेरियल मेथड से वही पार्ट करना होगा जिसका क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, जैसे मैंने सेकंड पार्ट किया था ना, फिर क्वेश्चन सेकंड है उसका सेकंड पार्ट किया, फर्स्ट आप ट्राई कर लेना, अदरवाइज आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन। क्वेश्चन थर्ड सिंपल सा है और क्वेश्चन फोर्थ में टोटल पार्ट आपके फाइव पार्ट, ठीक है ना, और मैंने आपको दो पार्ट किए हैं, दैट थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। फोर्थ कंप्लीट किया है, जो थर्ड पार्ट उसकी इक्वेशन बनाई थी ना, आगे आप सोल्व कर सकते हो, ओके ठीक है ना। तो दैट स्टूडेंट्स दिस एक्सरसाइज 3.5, ओके इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझना ध्यान से, ओके तो दैट्स डन, ओके स्टूडेंट्स दैट्स टुडे क्लास, बी एस जी।